बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच बिहार में एक युवा आईएएस अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साल 2017 बैच का एक आईएएस अधिकारी नालंदा में पद स्थापित है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया गया है। उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसा अनुमान है कि किसी स्थानीय के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। बिहार में किसी आईएएस अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने का ये पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में 6 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पुरुषों की पहचान हुई है, जिसमें 5 मरीज खगड़िया से और 1 सिवान से हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1005 पहुंच गई है। इससे पहले बिहार में गुरुवार को कोरोना के 46 नए केस सामने आए थे और 12 मरीज ठीक होकर घर लौट गए थे। राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 412 हो चुकी है, जबकि 7 कोरोना पीड़ित लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना बिहार के सभी 38 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं सबसे ज्यादा मामले बिहार के मुंगेर जिले में पाए गए हैं। मुंगेर में कोरोना मरीजों की संख्या 122 पहुंच चुकी है। न्यूज डेस्क।